उन्नाव गैंगरेप पॉइंट के क्या कहते जो एक विटनेस था उसकी यूनुस उसकी मतलब मौत हो गई थी, उसका दफना भी दिया गया था, उसका शव निकाल करके उसका पीएम कराया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें जाहिर है अदालत का इन्वॉल्वमेंट है, बगैर कोर्ट के तो ऐसा होता नहीं है। और अगर प्रशासनिक तौर पर भी ऐसा हो रहा है तो ये चिंता का विषय है। जब पोस्टमार्टम हो जाएगा, तथ्य सामने आएंगे, तभी कुछ कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से अपराध बढ़े हैं, जिस तरह अपराध की बाढ़ आई है, जिस तरह पूरे देश में लॉलेसनेस है, एनार्की है, भुखमरी है, सैलाब है, बेरोजगारी है, भयानक बेरोजगारी, डिग्रियां हाथों में हैं और कोई काम नहीं है। इसके अलावा सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस परेशान हैं, 60% से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हो गए, क्योंकि इंजीनियरों को चपरासी की नौकरी भी नहीं मिल रही है। और जिन इंजीनियरों को हमने नौकरी दी थी उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। ऐसी शर्मनाक बेरोजगारी और ऐसी शर्मनाक सरकार की सोच देश को बहुत बुरी तरफ लिए जा रही है। डर है कि कहीं बेरोजगार लोग कानून हाथ में लेना शुरू न कर दें, क्योंकि ये बात टेलीविजन पर आने लगी है कि ये फला हत्या और फला नाम पर हत्या, लिंचिंग, ये सब रोजगार बन गए, पैसा छीनना, मार देना, ये सब रोजगार। और ये सब बेरोजगार नौजवान लोग ही कर रहे हैं। इसलिए फिर आज मशवरा यही है कि प्रधानमंत्री जी 20 लाख 25 लाख रुपया प्रति व्यक्ति को दें या ना दें, लेकिन हर साल 2 करोड़ नौजवानों को जो नौकरी देने का वायदा किया था वो 8 करोड़ और आधा साल गुजर गया, तकरीबन 9 करोड़ नौजवानों को, अगर पैसा न दे सकें तो 9 करोड़ नौजवानों को अपॉइंटमेंट लेटर्स दे दें, अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा तो आने वाली सरकार अगर उनकी हुई तो वो उन्हें एडजस्ट कर दें, और किसी और की हो तो वो एडजस्ट कर दें। लेकिन 9 करोड़ नौजवानों को जिस दिन रोज़गार मिलेगा, नौकरियाँ मिलेंगी, ये सारे काम खुद बंद हो जाएंगे। ग्लोबल टुडे यूट्यूब के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।